आइए दोस्तों पाइथन पार्ट 99 में ग्लोबल वेरिएबल का यूज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ग्लोबल वेरिएबल का यूज जब हम करते हैं तो फंक्शन के बाहर हम इसको यूज करते हैं। देखिए मतलब फंक्शन के बाहर भी कर सकते हैं और फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। अभी हम बाहर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a बराबर मैंने 50 लिया है और यहाँ पे डेफ की लगाई है, शो फंक्शन लगाया है और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जो कि 10 है। ये हमारा लोकल वेरिएबल है दोस्तों और यहाँ पे इनको प्रिंट करा है मैंने और यहाँ पे शो फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ से जब ये चलेगा, मतलब यहाँ से जब फंक्शन चलेगा यहाँ आएगा और एक्स को यहाँ पे प्रिंट में आएगा और एक्स को यहाँ से दिखाएगा, ये आ गया हमारा लोकल वेरिएबल, ठीक है। और देखिए उसके बाद ये यहाँ पे प्रिंट करेगा ए को जो कि हमारा ग्लोबल वेरिएबल। देखिए ये हो गया इनसाइड से, यहाँ पे हमने इनसाइड से ग्लोबल वेरिएबल को कॉल किया है और ग्लोबल वेरिएबल को दोस्तों हम आउटसाइड से भी कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कॉल किया है तो ये आ गया ग्लोबल वेरिएबल ए, ठीक है, जो कि आउटसाइड से है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमने ये जो नया कोड है हमारा एग्जाम्पल टू का, तो देखिए यहाँ पे हमने एक आई को जीरो दिया है जो कि हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है और डेफ की लगाया है, माय फंक्शन लिखा है और ए में हमने आई प्लस वन लिखा है, ठीक है। अब इसको हमने प्रिंट कराया है। अब यहाँ पे हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो जब ये चलेगा यहाँ पे आएगा, यहाँ से ये यहाँ आएगा, इतना प्रिंट करेगा और ए को देखेगा, ए से अपनी वैल्यू लाएगा। चलिए रन करते हैं। तो देखिए जब पहले प्रिंट करेगा तो ये इतना देगा, ठीक है, उसके बाद ये ए को ए से अपनी वैल्यू लाएगा तो आई में क्या है जीरो और प्लस वन, यानी कि जीरो प्लस वन बराबर वन, तो ये हमारा आंसर देगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखिए यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल दिया है और हमने यहाँ पे डेफ की लगाई है और फंक्शन लिखा है अपना, ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर भी हम आई ही दे रहे हैं, तो ये आई और ये आई दोनों सेम होने के कारण ये हमें एरर शो करेगा। चलिए दिखाता हूं मैं आपको। तो देखिए इसने हमें एरर दी है, ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इसलिए इसने एरर शो करा है। अब इस एरर को ठीक करना है तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मतलब एक लोकल वेरिएबल देना पड़ेगा और उसको जब हम रन करेंगे तो ये हमें आंसर दे देगा। देखिए इसने हमें आंसर दिया, इस बार ये आंसर इसने यहाँ से दिया है, क्योंकि अब एक बात जो आपको नोट मतलब याद करने के नोट पॉइंट है, जब भी लोकल वेरिएबल और मतलब जब ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों हो और सेम ही मतलब वेरिएबल हो तो वो क्या करेगा, वो अपने लोकल वेरिएबल से ही अपनी वैल्यू को लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला चलेगा, ये चलेगा, तो अब जाके हमारा ये आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इस कंडीशन में हमें एक लोकल वेरिएबल देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।